इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी अपने परिंदों की तरफ आया हुआ हूँ इनको दाना पानी चेंज करने के लिए। ये भी सारे नीचे आ चुके हैं और पिंजरों के सामने आ जाते हैं क्योंकि इनका ये खाने का वक्त होता है। इसकी भी ज़रा सुन लें। इस तरफ ये एक मुर्गी और इसके बच्चे, और यहाँ पर अलग से मैंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं। अभी स्प्रिंकल चल रहे हैं लॉन को पानी देने के लिए। जब ये वाला हिस्सा पूरा आ जाएगा तो इनको उठा के मैं इस दूसरे हिस्से की तरफ ले आऊँगा। इस तरफ भी लग चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं। बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं और ये यहीं पर रहते हैं। इसके दो बहन भाई और हैं, अभी पता नहीं वो किधर हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इंजमाम है और मैं इस्लामाबाद का एक देहाती इलाका है वहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स में आपको मेरी डेली रूटीन्स के बारे में मालूमात मिलेंगी। मेरी डेली रूटीन क्या है, मैं कब उठता हूँ, क्या करता हूँ, सारी मालूमात, सारी मेरी रूटीन, जो मेरा दिन कैसे गुजरता है, ये सारी मैं आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाया करूँगा। मेरे क्या क्या शौक़ हैं और मुझे किन किन चीज़ों का शौक़ है, मेरी क्या हॉबीज़ हैं, मैं क्या करता हूँ, ये मैं अपनी आपको अपने सारे व्लॉग में इंशाल्लाह डेली दिखाया करूँगा। ये लॉन है, इसमें जब हमने इस वक्त मिट्टी डलवाई थी तो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पत्थर आ गए थे, तो वो भी पत्थर हम इसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है सारे। और इसके बाद हमने दूसरा पोर्शन साफ़ करना है। पीछे देखें, हमारे माली भी आ चुके हैं, अभी वो इन क्यारियों को साफ़ करेंगे और इस पर फिर मशीन लगाएंगे। ये जो छोटे मोटे काम है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये काम तो चलते रहेंगे। अब आपको चल के दिखाता हूँ कि मेरा असली काम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। ये है जी मेरा बिज़नेस, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता हूँ। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही शौक था तो मैंने फिर अपनी शॉप बनाई। ये पीछे मेरा गेमिंग सेटअप पड़ा हुआ है, इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, 2 साल हो गया, इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। इसलिए अब मैं अपना जो दूसरा सेटअप है मैंने दुकान पर रखा हुआ है, मैं वहीं पर अपनी गेमिंग का शौक भी पूरा कर लेता हूँ और मैं इसके अलावा एडिटिंग वगैरह भी उस पर करता हूँ। ये मेरा दूसरा गेमिंग पीसी है। मैं घर पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपना गेमिंग का शौक जो है वो पूरा कर सकूं, तो इसलिए फिर मेरा दूसरा सेटअप जो था मैंने दुकान पे रख लिया। मैं एडिटिंग पीसी पे करता हूँ वीडियो, और मैं गेमिंग का शौक जो है वो पीसी पे पूरा करता हूँ। सारी पालक जी थी मैंने कटवा के भेज दी थी पहले घर, तो कुछ और चाहिए थी, तो अभी ये जो है बाकी मैं भेज काट के भेज रहा हूँ, तो कुछ दिनों तक फिर निकल आएगी। यहाँ पे मैंने इस गली में और यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मुर्गियों को सुबह मैंने फीड डाल दी थी, अभी सिर्फ अंडे निकालने हैं। एक मुर्गी अंदर गुस्सा हो गई है, अंडे निकाल लिए और रोज़ाना इतने हो जाते हैं कि घर के लिए अच्छे हो जाते हैं, घर में पूरे हो जाते हैं। अभी बिजली और लकड़ी वालों को कुछ सामान चाहिए था जो ये मैं अभी लेके आ गया। अभी दिन के 1:45 हो रहे हैं और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। अभी भी घर वालों के कालों पे कॉल करने के बाद मैं घर आया हूँ और मैंने अभी इस वक्त खाना खाया है। अपने लिए शर्टें ऑर्डर की थी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, ये 2 ट्राउज़र मैंने ऑर्डर किए थे 6 पॉकेट, और जब मैंने इनको खोल के देखा तो ये चीज़ निकली। तो एक मैंने भाई को दे दी है, उसने पहन लिए, दूसरा कभी मौका मिला तो मैं पहन लूँगा। जूते मेरे 2-3 दिनों से टूटे हुए थे और इतना वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं अपने चेंज कर लूँ, और मेरे जो जूते हैं ये कहीं से मिलते भी नहीं है इतनी आसानी से, 12-13 नंबर का जूता है। शाम के 6 बज रहे हैं और अच्छी खासी नींद भी पूरी कर ली है 2-3 घंटे की। अभी जूते लेने जाना है G9 मरकज़, और वहाँ से फिर मैंने ब्लू एरिया जाना है, अपने कोरोना वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट थे वो लेके आने हैं। पूरा मरकज़ है बंद है, और मुझे भी उम्मीद यही थी कि ये मुझे अपने जूते नहीं मिलेंगे, बंद होगा, लेकिन ये सामने देखें जहाँ से मैं लेता हूँ बाटा वाली शॉप, ये शुक्र है खुली, आप अंदर जाके इनसे पूछते हैं कि इनके पास वो जूते हैं। ये मेरी जूती है जी, ये मुझे 3 जूतियाँ मिली हैं, 2 ये कलर है, एक ये था, इसमें बड़ा साइज़ भी था, मैंने एक ये वाली ली है और एक ये वाली ली है, तो शुक्र है मुझे जूते मिल गए हैं। इसी शॉप से मैं हर दफ़ा लेता हूँ और शुक्र है आज ये खुली हुई थी, वरना ये मुझे जूते नहीं मिल सकते थे। और अभी वो तो मैं फेंक दूँगा, ये वाले जो जूते मैंने लिए हैं
ये मैं पहन लूँगा एक पैर, और एक पैर मैं अभी घर के लिए ले जाऊँगा, मेरे शुगर मेरा गुजारा हो जाएगा। एक पैर अगर टूट भी जाता है या कोई मसला होता है तो मैं दूसरा ले लूँगा। अभी मैंने दो पैर लिए हैं, पुराने वाले मैंने दुकान के अंदर ही रख दिए, और ये जो नए वाले हैं मैंने उधर से ही पहन लिए हैं, और एक ये मैंने ले लिए हैं। ये सामने दही भल्ले और फ्रूट चाट वाले हैं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ खा के जाता हूँ। तो ये क्या है? चना चाट। ये आगे हमारे चना चाट, फ्रूट चाट, और ये है हमारा फ्रूट चाट। ये है जी हमारे फरजंद जिल्ले इलाही इब्राहिम, और इन्होंने अगर हमें खाने दे दिया तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, वरना मुझे नहीं लगता ये हमें खाने दे देगा, अक्सर ये गिरा के जाता है। ये मेरा पहला पहला व्लॉग था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बोलना है क्या करना है, मगर फिर भी जो कुछ हुआ मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि अच्छा इसको बना लूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको प्यार मुझे मिला तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।